एवरीवन, आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ ये वाले स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रहा है प्रोडक्ट का रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, मैं आज जो है ये वाले प्रोडक्ट का फुल डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी, साथ ही इसे किस तरीके से यूज़ करते हैं या मेहंदी के और क्या यूजेज होते हैं या इसे किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, वो फुल डिटेल आपके साथ सारा शेयर करूंगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। मेहंदी सिर्फ हाथों की खूबसूरती ही नहीं बल्कि बालों को भी आकर्षक बनाती है। अक्सर लोग बालों को कलर देने के लिए या सफेद बालों को छुपाने के लिए मेहंदी का यूज करते हैं। तो आज की ये जो मेहंदी है ये है नेहा हर्बल मेहंदी। और फ्रेंड्स, अगर पैकेजिंग की इसकी बात करें तो ये जो इसका पैकेजिंग है वो साधारण सा एक जो है पैकेट के अंदर आपको मिलता है, और इसका जो है मीडियम, लार्ज और स्मॉल पैकेज आपको तीनों ही मिल जाएंगे। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इसे परचेज कर लीजिए। जो इस समय मैंने पैकेट लिया है ये मात्र जो है 10 रुपीज़ का है। तो फ्रेंड्स, इस ये बहुत ही चीप हीना है जिसे हर कोई आसानी से परचेज करके यूज़ कर सकता है। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है या इसे किस तरीके से अगर आप यूज़ करते हैं तो क्या बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, फ्रेंड्स इससे आपके जो है हेयर हेल्दी हो जाते हैं, जैसा कि इसके पैकेट पे मेंशन किया ही हुआ है, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, साथ ही आपके हेयर्स को कलर प्रोवाइड करेगा ये प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर ये बहुत ही गुड प्रोडक्ट है। अब मैं आपको हीना के इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपको क्या क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। फ्रेंड्स, आपके हेयर्स के अंदर अगर डैंड्रफ है, अगर आपको हीना को लगाना स्टार्ट करेंगे तो आपके जो बालों की रूसी है वो निकल जाएगी, साथ ही बालों को रंग करने में काम आती है ये, यानी कि सफ़ेद बाल है अगर आपके तो आप अपने बालों को इस हीना से रंग दे सकते हैं। बालों को कंडीशनिंग भी देता है हीना, हिंदी को लगाना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स तो आपके ये बालों का झड़ना और साथ ही स्कैल्प के पीएच को संतुलित भी करती है। फ्रेंड्स, मैंने जो है नेहा हर्बल मेहंदी का ब्लैक सैशे भी लिया है, ताकि जिन लोगों को ब्लैक सैशे लेना है तो वो भी ले सके, क्योंकि कई लोगों को अपने बालों का नेचुरल काला कलर करना ही पसंद होता है। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा केमिकल युक्त डाई का भी यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं डाइज, क्योंकि उनके आपके हेल्थ के ऊपर भी बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। ये आपको धीरे धीरे पता लगता है जब आप इस्तेमाल करते हैं। और डाई इस्तेमाल करने से आपके जो पहले कम बाल सफ़ेद होते हैं, लेकिन अगेन आपके जो बाल हैं पूरे ही सफ़ेद हो जाते हैं, तो आपको फिर बहुत ज़्यादा दुख होता है कि आपने उनको इस्तेमाल क्यों किया। इससे अच्छा है कि आप इस तरीके के जो है सैशे को इस्तेमाल कीजिए, आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको बिल्कुल नहीं होंगे। तो मैं अब आपको इसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो बताती हूँ। आपको जो है नॉर्मल जैसे हम अपनी मेहंदी का पेस्ट बनाते हैं, सिंपली पानी में भी आप बना सकते हैं आराम से, लेकिन इस समय जो मैंने आपको शेयर कर रही हूँ तो मैंने ये जो है इसके अंदर अंडा ऐड करके बनाया है, ताकि हमारे हेयर्स को प्रोटीन मिल सके और इससे जो है हमारे हेयर्स की ग्रोथ भी होती है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अंडा और जो है कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं। ये जो वीडियो है ये मैं इसका आई बटन में आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहां पर वॉच कर सकते हैं। तो इससे आप जो है सिंपली पेस्ट बना लीजिए, जैसा कि आप हीना को पेस्ट बनाते हैं, बस लम्स इसके अंदर नहीं होने चाहिए। और फ्रेंड्स, इसको आपको ज़्यादा देर भिगो करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप 10 मिनट तक इसको भिगो कर रखिए और देन आप जो है 1-1.5 घंटा अपने बालों पर लगा लें, और ऐसा करने पर आपको बहुत ही गुड रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जैसा कि मैंने इसमें अंडा डाला है, मैं अच्छे से अंडे को इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ, तो इस तरीके की हमारी हीना बनकर रेडी हो जाएगी, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और फिर आपको जो है अपने एक एक बाल पर इसको अच्छे से लगा लेना है, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आप भी अपने हेयर्स पे अच्छे से अप्लाई कर लें हीना को, और देन आपको जो है फ्रेंड्स जो है पहले तो आप जस्ट ऑयलिंग कर लीजिए अपने हेयर्स को, मतलब आपको सिंपली वाटर से वॉश कर लेना है और देन आप ऑयलिंग कर लीजिए, और नेक्स्ट डे आपको जो है शैम्पू कर लेना है। एक दिन छोड़कर ही शैम्पू कीजिए, तुरंत आप शैम्पू ना करें, क्योंकि फिर आपको जो है गुड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुछ कलर आपका फिर उसी समय निकल जाएगा। तो ज़्यादा देर के लिए अगर आप अपने हेयर्स पे इसे टिकाना चाहते हैं तो हेयर्स जो है
कुछ समय के बाद ही वॉश करें। लगाने के बहुत सारे जो मैंने गुण हैं आपको बताए हैं, और ये जो हर्बल नेहा मेहंदी है इसके भी मैंने आपको सारे बेनिफिट्स बता दिए कि हेयर ग्रोथ के लिए भी अगर आप इसे यूज करेंगे तो जो है आपकी हेयर ग्रोथ भी ये हीना करना स्टार्ट कर देता है। ये हीना नहीं बल्कि जो भी नेचुरल हीना हर्बल मेहंदी होती है उसे अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये आप हार्ड डाई करते हैं, इतना ज़्यादा केमिकल अपने हेयर्स पे दे रहे हैं, इनसे बालों का तो झड़ना शुरू हो जाता है, साथ ही आपके जो है और भी बालों से रिलेटेड आपको ना जाने कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। साथ ही फ्रेंड्स, आपको हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाते हैं अगर आप ज़्यादा जो है केमिकल युक्त डाई का इस्तेमाल अपने बालों पर करते रहेंगे, तो जो है आपकी नज़र, जो आंखों की निगाह होती है, इसके ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये जो प्रोडक्ट है नेहा हर्बल मेहंदी, ये गुड प्रोडक्ट है और हमारे यहाँ के एरिया की मैक्सिमम सारी लेडीज़ इसे ही यूज़ कर रही हैं। क्योंकि देखिए, सफ़ेद अगर हमारे बाल हो गए हैं तो हमें जो है अपने बालों को कलर प्रोवाइड तो करना ही होगा, क्योंकि नहीं तो फिर वो एकदम से हमारी जो है सुंदरता को कम कर देते हैं। तो इससे ये बहुत ही अच्छा जो है विकल्प है कि आप जो है नेहा हीना मेहंदी को लगाना स्टार्ट करें। ये था फुल डिटेल इस प्रोडक्ट का, होनेस्ट रिव्यू। इस प्रोडक्ट का मैंने कोई स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ इस प्रोडक्ट का, ये मेरा खुद का परचेज किया हुआ प्रोडक्ट है और मैंने खुद इस्तेमाल किया है, तो जो मुझे इसके बेनिफिट्स मिले वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपको फिर किसी अपलोड के साथ। बाय बाय, टेक केयर माय लवली व्यूअर्स।